करना ही जुर्म क्यों ठहरा, पैदा करना क्यों नहीं, और बेटे की चाह में बच्चे पैदा करते जाना कहाँ का इंसाफ है? ये सवालात उठाए हैं शुएब मंसूर ने अपनी नई फिल्म बोल में। फिल्म की कहानी हमारे माशरे की उन तल्ख हकीकतों के गिर्द जाल बुनती नजर आती है जो पाकिस्तानी माशरे को घुन की तरह चाट रही है। हमारे माशरे में बहुत सारी बुराइयां सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो रही क्योंकि हम बोलते नहीं। बोल एक ऐसे वक्त पर रिलीज हुई है जब पाकिस्तानी माशरे में गैरत के नाम पर कत्ल और ख्वातीन के हकूक पर बहस अपने अरूज पर है, और फिल्म में भी डायरेक्टर इन्हीं नाजुक तारों को छेड़ने की कोशिश करता है। बेटी भी एक बेहतर औलाद हो सकती है, बेटी भी कामयाबी की वो मनाजिर तय कर सकती है जिसकी उम्मीद एक बेटे से लगाई जाती है, और उस झूठी उम्मीद के सहारे बहुत से अफराद ऐसे बच्चे पैदा करते हैं जो मुस्तकबिल में ना तो अच्छे शहरी बन सकते हैं और ना ही एक कामयाब इंसान, अलबत्ता आबादी में बेतहाशा इजाफे का बायस जरूर बनते हैं। कहानी के किरदार मजहबी फिरकों के माबैन एक पुल भी बनाते नजर आते हैं। काश मैं खुदा होती। नाऊज़ु बिल्लाह के खबीस। जिसकी जरूरत आज के पाकिस्तान को सबसे ज्यादा है। मोल ने न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को उन तमाम मसाइल पर बोलने की जरूरत दी है जिन पर माजी में बात करना भी जुर्म तसव्वुर किया जाता था, बल्कि नए आने वाले फिल्म डायरेक्टर्स को भी हिम्मत दी है कि वो हमारे माशरे में छुपी बुराइयों को अपनी फिल्मों का मौजू बनाएं। फिल्म तकनीक के एतबार से नकाद शायद कुछ और राय रखते हों, लेकिन मौजू के एतबार से बोल हमारे माशरे ही की क्लाइडोस्कोप है, और ऐसे मौजूद ही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बचा सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा फिल्म बीनों को सिनेमा घरों तक ला सकते हैं। बोल को तब्दीली की तरफ एक काविश के तौर पर समझा जाना बहुत जरूरी है ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तानी सिनेमा घरों में ऐसे मौजूद पर बनने वाली फिल्मों को पजीराई मिल सके।